छत पर एक्सरसाइज करते हैं तो ठंड है, नीचे करते हैं तो थोड़ा लाइटों का और कैमरे के एडजस्टेबल में थोड़ी ही प्रॉब्लम होती है। छत पर यूँ है ओपन में चाहे कितनी दूर कैमरा रखा जाओ, फिर आदमी सही क्लियर आ जाता है। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस जीवलॉक्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। आज फिर यह कविता पुनिया बहन के लिए। बहन ये भी सारी बेली फैट की हैं, जितनी भी एक्सरसाइजें हैं आपके टमी के लिए, जितनी भी आप करना चाहें, वो ही कह रही थी नहीं, मैं चाहे 50 60 कितनी भी कर लो बेली के लिए तो एक्सरसाइज अपनी हो गई थी तो नीचे का ये फायदा है, थोड़ा लेट उठ के अंदर अगर करा तो और भी कई चीज़ों का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे दीवार का ही होता है मेन। तो और भी अगर चेयर पे बैठ कर करना चाहे, टांग कहीं लेंस लगानी हो या और कुछ करना हो, उन चीज़ों का बेनिफिट मिल जाता है। छत पर उन चीज़ों का नहीं ढूंढना पड़ता है, फिर अगर कहीं था तो वहाँ गमले वगैरह फिर रखे हुए हैं तो अपनी एक्सरसाइज करने लग जाओ। कई बार में जैसे दूध लेट आता है तो करते रहो, आ जाओ जब बंद कर दो ना, तो फिर पिलो कहीं जाओ तो वो उसमें देर हो जाया करती। कई चीज़ों का बेनिफिट भी है, कई का नुकसान भी है, कहीं अपना फायदा कहीं नुकसान, ये तो होता ही है। किचन के काम करें, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, आज थोड़ा हाँ जल्दी कराया है, कहीं जाना है ना, काम है थोड़ा हाँ, फ्रेंडों के कपड़े लेने हैं, उसके से उठा के बुटीक वाले के से इनके पड़े हुए हैं, 1 महीने से पहले करवा चौथ से भी पहले के पड़े हुए हैं, तुमसे मैं चलो आज लेके आती हूँ, मैं तारे ने कई बार बोल लिया था। ब्रेकफास्ट में बनाई थी ओट्स की एक रोटी, तो चटनी बनाई थी, वही धनिया चना और लहसुन मिर्च डाल देना, थोड़ी दही डाल दिया करो ना उसमें तो चटनी, फिर वो अच्छी लगा है तो चटनी के साथ खाई है। ओट्स वैसे ख़त्म भी हो गया, अब ऑर्डर करवाया है बेटे से, तो साथ में थोड़ी ही ले रही हूँ फीकी कॉफ़ी, बिल्कुल फीकी है, थोड़ा दूध मिला के ना, रो रो गला ख़राब है उसके कारण पी रही हूँ, नहीं मैं पिया नहीं करती, गले के कारण पी रही हूँ। सब्जी में आज कुछ बनाया नहीं था तो मैं सब्जी वाला क्या डालना, रहता का था, रहता का मैं क्या डालना ना, बथुए का रहता था, मैंने तो अभी चटनी के साथ ही खाई है, चटनी और ये और ओट्स की रोटी में अजवाने जवान डाल ले ना, ऊपर से चटनी रखे टेस्टी ही, नमक हाँ मिर्च वाली तो अच्छी लगा है, थोड़ी ही कॉफ़ी हो गई थी इसके साथ खा ली थी। गले ने बुरा हाल करा हुआ है, गला ने और रुका रुका हो रहा है, पिछली बार हो गया था मेरे सर्दियों में, उसी के बाद फिर मैंने वेट बढ़ाया था अपना, जब भी मेरे वोकल में मेरा गले में ही होया करा प्रॉब्लम, वोकल्स में प्रॉब्लम हो जाती है बारी बारी, इसलिए थोड़ी ही गर्म ही चीज़ें लेती हूँ, चाय मैं भी जिस तरह दोपहर बाद वो चाय लेती हूँ, वो भी फीकी लेती हूँ पर उसमें मैं अदरक डालती हूँ। अच्छा हाँ आ जाओ वही खाना खा लो, दही है, मूली है, जो मैं और डाल के ना, जीरा हरी मिर्च लहसुन प्याज मूली सब कुछ डाल के ना, और भुजी है थोड़ी ही, तो भुजी रखी है दही के साथ खा रही हूँ आज, तो बनाया तो रहता भी था पर दही के साथ खाने को मन कर रहा था, अंब का अचार ले गए ना, ये सारी चीज़ें डाल के ना, अंब का अचार एक बार अच्छा लगा अगर रोज तो मैं नहीं खाया करती, कोई खाता ही नहीं हमारे, मैं ही खाया करो, पर आज था थोड़ा हाई हूँ, आप के अचार के साथ खाऊँ कुछ कुछ, तो वहाँ गई हुई थी, लेट हो गई थी असल में ना, बता भी रही थी मैं जाऊँगी, अपनी फ्रेंडों के कपड़े पड़े हुए थे वो लेके आई हुई हूँ, रखे हुए हैं, चली गई थी तो देर हो गई, आने के बाद फिर वो बाजरे की लाड़ी उतारी वो पे छोड़ा, फिर दोबारा फिर भेजे रखा है, मैं 4 बजे ही फिर उसने दोबारा कूटूँगी तो वह काम लगी करने, तो जल्दबाजी में फिर यही चीज़ लाई हूँ बना कर, पर मन भी नहीं कोई कर रहा था, अब है ना 1 2 दिन से सब्जी खाने को कम मन कर रहा है, जैसे सैलड वगैरह, सैलड तो शाम को ही ले लेती हूँ मैं स्वीट कॉर्न डाल के, तो इस टाइम ये खाने को मन कर रहा था, लस्सी नहीं थी तो लस्सी थी पर पीना नहीं चाहती गले के कारण, दही बाहर रखी हुई थी तो इसलिए दही को ही ले आई, दही ही प्रेफर करी फिर मैंने, तो चलो खा लेती हूँ, खा लिया अपना खाना, लंच कर लिया, तो एक कमेंट था उसका जवाब दे रही हूँ, कह रही थी ना कि आप तो डाइटिशियन बन गए, डाइटिशियन नहीं मैं अपना ना 9 10 साल से अपने बॉडी पर काम कर रही हूँ, 10 साल से मैं इन्हीं चीज़ों में हूँ, कभी योगा कभी एक्सरसाइज कभी अपना अपना वेट नहीं मैं बढ़ने दिया करती, इसलिए मेरे को थोड़ी ही नॉलेज है, स्टार्टिंग में मैंने भी ली थी डाइटिशियन से डाइट, तो उसके कारण थोड़ी ही नॉलेज इंसान को हो ही जाती है, अगर 5 6 महीने आप किसी से डाइट लेते हो, फिर मैंने नहीं ली थी, एक टाइम पर मेरा 76 था 10 साल पहले, वेट बहुत ज़्यादा वेट था, तो जब पीछे मैं अपने आप को मेंटेन रखा करूँ और ये देखा करूँ कि आज मैं अब मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो जैसे बेटे का मेरे का 89 था, आप यकीन नहीं मानोगे, जिम में गया था, जिम वाले ने भगा दिया था, इसमें स्टेमिना भी नहीं था, वीडियो में मैंने एक में डाला भी था, और आज इसमें वेट 66 है, यही मिलेट की चीज़ें खा के ना, और अब तो 32 बार वाला चला हुआ है, दोनों ही मम्मी बेटा हम खाते हैं, तो इसके कारण थोड़ी ही नॉलेज हो जाती है क्या खाना चाहिए, किसके कारण वेट बढ़ रहा है क्या नहीं, क्या हम खाते हैं, किसे
जैसे हम रागी खाते हैं तो हमारा जल्दी वेट लूज होता है, ज्वार वाली में इतना जल्दी नहीं होता, तो अपने आप ही यूँ पता लग जाता है हाँ भाई इस चीज़ को खाने से अगर हमें जल्दी जल्दी करेंगे तो ये चीज़ खाएं, और थोड़ा आराम से करना है स्लो में करना है तो ये चीज़ खाएं। नॉलेज है कि हाँ भाई डिटॉक्स करना है, ये करना है, जैसे त्यौहार है तो डिटॉक्स कर लो, मीठा खा लिया तो अगले दिन फिर डिटॉक्स कर लो, तो मीठे में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हो जाता है आदमी को, जो आदमी 10 साल से अपने आप में यूँ लगा हुआ हो ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हो, तो उसको जानकारी हो जाती है, उसमें कोई गलत नहीं है। आप करके देखोगे तो आपको ही पता लग जाएगा, तो किसे मेरा बढ़ता है किसे कम होता है, 2-4 महीने करके देखते हैं तो इंसान को पता लग जाता है अपनी बॉडी का, मेरी बॉडी में मैं ये चीज़ खाऊंगी तो वेट बढ़ पाऊंगा। अब 67 से कम है इसका, मीठा भी खाता है तो अगले दिन ही ये अपने आप का कर लेता, पानी पुनी पी के। अब इसको भी इतना वो हो गया, जैसे मैं डिटॉक्स बना लेती हूँ, अपने आप ही कहने लग जाता है डिटॉक्स बना लो, तो अगले दिन ही वो मेटाबॉलिज्म इसका सही हो गया, तो अब अपने आप ही नहीं बढ़ता, तो हमारा तो फिर एज के हिसाब से वो स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म, फिर बच्चा का तो वो फास्ट हो जाता है एक एज में। तो इसका चलो बर्तन धो देती हूँ और फिर एक बार छत पर काम करूँगी, सीखी शाम में फिर वो लाली उतारूँगी, तो खिचड़ी बनानी है शाम में, काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये फ्रेंड के लेके आई थी मैं, उनके कपड़े देर हुए थे वहाँ पर, ब्लाउज एक का ब्लाउज था, एक पेशेंट थे ये वर्क करवाए हुए थे, बिल्कुल पीछे है फ्रेंड मेरी, उसको अब पकड़ा दूंगी मैं। पकड़ाने से पहले मैं चलो एक बार थोड़ी ही क्लिप निकाल लेती हूँ। एक कलर ये है, ये वर्क इनके जा रहे थे तो उठाए के लाने थे, बस उठा के लाने पर मेरे को ही हो रही थी जाने की ना, थोड़ी ही टाइम निकाल के जाना पड़ता है ना, पूरा सैर क्रॉस करके तो आधा घंटा लग जाता है, कई बार फोन आ लिए थे मैं चलो आऊँगी उठाने, अरे इनको पता नहीं था, नहीं तो ये उठा ले आती। अब एक का ये ब्लाउज था, ब्लाउज करवाया है, ये तो बाजू है, ये फ्रंट है, ये बैक है और ये बाजू है, ये बाजू की हुई मेरे को तो अच्छा लग रहा है, उनको पता नहीं जिसका है, मेरे को तो अच्छा लगा, पसंद मेन बात वो है, पसंद उनको आना चाहिए ना जिसका है, वो भी यही कह रही थी पसंद उनको आना चाहिए जिसका है, आपके और हमारे कहने से थोड़ा होएगा, क्यों उन्होंने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया था ना, करवा कर दो बस। फिर मैं खाना खा के नर में इतने ग्रीन टी का 1 घंटे बाद टाइम होता अपने पेड़ पौधों को संभालती हूँ, और ये एक पौधा आया था लाई थी कहीं से आते हुए, तो मैं इसको लगाते हैं, फिर देखा तो सारे पौधे मुरझा रहे थे, तो उनमें पानी भी दे देती हूँ। आज मौसम भी और तरह का था, बादलों से आगा, पोल्यूशन भी नहीं था इतना, पर छोटे छोटे बादल से थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बादल हों, तो फिर मैं दे देती हूँ पानी पौधे से, ऐसे सारे मुरझा रहे थे, वो कान ही डाल लेते हैं ना बिल्कुल ही, गोभी के पत्ते यूँ गिरे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। सारे पौधों को नहलाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, आज सभी को ही नहला दिया। रख दी खिचड़ी, पहले दाल रख दी थी, इतना बाजरा पीसा पैसा ना कुटिया, इतना मिक्सी में ही कर दिया मैं तो बाजरे को, पर एकदम नहीं घुमा करती वो, चून नहीं बढ़ाया करती, बल्कि एक बार यूँ घुमा फिर बंद करते, यूँ करा सही कूट जाता है। इतना दाल पानी गर्म होया, दाल डाल ली इतनी देर में वो हो गया, तो अब अपना रख दिया। हमारी माँ तो देख के भी जाली भाई खिचड़ी बन रहे, खिचड़ी का नाम देने और दिखने तो ऐसी हो यू हो जाओ, आज तो खिचड़ी बनने लग रही है, और इतनी खाएगी, अब भी खाएगी, फिर सुबह भी खाएगी और फिर शाम में भी खाएगी, कल तो इतने खिचड़ी रहेगी, खिचड़ी नहीं खाएगी। तभी मैं भी सोचा चलो बना देते हैं, पर टेस्टी लगा, हमने भी स्वाद लगा कर, सारे ही खा ले, बच्चे भी खा ले, बेटा खा लेता। 5:20 हो गए, 4 बजे लगी थी और अभी तो लगेंगे तो 15-20 मिनट और, इसमें बोल 1.5-2 घंटे कौन खिचड़ी बना बना के खावे, तभी तो लोग बनाते नहीं, यूँ सोचा और कोई बना के दे दे, इतना टाइम लगा है तभी तो बनाते नहीं, फिर बना के कुछ नहीं है ना लोग। अब 4 बजे लगे थे बनाने, 5:20 होगी और 15-20 मिनट और आराम से लगेंगे। लो भी बनेगी, 6:45 हो गए, अब बढ़िया खिचड़ी, खिचड़ी क्या बनाने है, बिल्कुल जंगी जितनी है, तो अब सैर करने जाऊँ, फोन आ लिया मेरा, कई देर होगी 5-7 मिनट आ ली, तैयार खड़ी हूँ, बल्कि जूते चाते डाल के मैं एक बार बना ही आऊँ, आने के बाद फिर इनको खाने को दूंगी। अब 1 घंटा अपनी सैर में लगा के, तो आने के बाद मिलते हैं फिर, सैर करके आने के बाद खिचड़ी खाने का टाइम हो गया ना, आ जाओ जिन्हें भी खिचड़ी खानी है, आप डाल रहे हैं घी, गोजी बादम होगी अपनी, 1 चम्मच घी डाल के ना रमा खा रहे हैं, तो खाएं, खाऊंगी इतनी के बस, ज़्यादा नहीं खाऊंगी ना, कौन कौन घी डाल के खाता और कौन गोजी डाल कर, मैं दोनों चीज़ खाती हूँ, पहले घी के साथ खाऊंगी फिर गोजी डाल के ना खाऊंगी, दोनों चीज़ों में दोनों का टेस्ट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा ना। तैयार हैं फ्रेंड के घर से पपीते, छोटे छोटे पपीते दे के दी है बगैर मसाले के, 5 से इतने दे के जा रही है,
ये भी खाएंगे अब सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, अभी ये भी चलेंगे जब तक यहाँ रहेंगे, तो खा लेते हैं अपना खिचड़ी। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।